गुड मॉर्निंग सभी को। आज का दिन है सैटरडे, फेब्रुअरी का है 4। हाँ, और आज ज़्यादा कुछ तो है नहीं प्लान पे। आज हम जा रहे हैं मूवी देखने पठान, और गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है। बाइक की पहली सर्विसिंग ड्यू है, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल। तो आज का दिन थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए, हेक्टिक जाए। लेट्स सी क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, बने रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। हाँ, अभी मैं लेटा हूँ और डुग्गू जी आए हैं, बोल रहे हैं इन्होंने बहुत डरावना सपना देखा है। स्टोरी जैसा कुछ था, क्या था बेटा सपने में? तो फर्स्ट वाला हम आपको बताएंगे, नहीं सेकंड वाला बताते दो सपना आया था हैं। तो? एक ही लाइन में ना बहुत बहुत सारा लाइन था। अच्छा, एक ही लाइन में बहुत रहा। हाँ, सपना ऐसा ही होता है, बताओ फिर क्या हुआ? तो ना रात हो गया था, हाँ हम और नानी फील्ड में टहलने गए, ठीक है। और फिर नानी किसी से बात करने लगी फील्ड ही में, अच्छा, और हम ये वाला छत पर देख रहे थे। इस वाले छत पे, हम लोग के छत पे हाँ, देख रहा था। तब हमको दो चोर दिखा। चोर दिखा? हाँ, ओके। हाँ वो चोर लोग नीचे कूद गया, अब मेरे पास पहुंच गया। अच्छा, वो लोग बोला कि किसी को बताना मत, हाँ लेकिन हम जबरदस्ती आके आपको बता दिए। फिर हम क्या किए? फिर आप एक चोर को तो दिए मुक्का, ओह, फिर दूसरा बार दूसरा चोर लेकर आया बॉम्ब, और हम लोग थे गेस्ट रूम के बाहर, ठीक है, तो वो गेस्ट रूम में वो बॉम्ब को उड़ा फोड़ दिया। दिया। तो हम लोग इतना तेज दौड़े, फिर हम लोग बबली मौसी के डेरा पहुंचे। अच्छा, दौड़ के हम लोग वहां पहुंच गए, बबली मौसी के डेरा। वो तो दूर है बेटा। फिर फिर हाँ, हम लोग वहाँ और नानी को जो यही छोड़ दिए? अच्छा, ये नहीं देखा होगा। फिर क्या तो फिर हुआ, हुआ? तो फिर आप लोग प्लान बनाने लगे। हम लोग हाँ तब तक हम लोग प्लान बना के निकलने ही वाले थे, तब तक चोर आ गया। वहाँ पे भी हाँ, ठीक है, अब सपना एंड हो गया। सपना एंड हो गया। अच्छा, तो बहुत बढ़िया सपना था। तो इसमें डरावना क्या था? इसमें तो भूत भूत कुछ था ही नहीं, चोर था। चोर से डर लग रहा था। अच्छा, चोर से डर लग रहा था। चलो ठीक है, ये हो गए हम रेडी। ये रहा हमारा अंश, ये रहे हैं मैं। हेलमेट रेडी, बाइक रेडी, और निकलते हैं मूवी के लिए। सबसे पहली बात जो आपको बता दूं कि मूवी जो थिएटर है, जो सबसे अच्छा थिएटर है, वो हमसे 17 किलोमीटर्स दूर होता है। और जाते वक्त बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ एक। हम ऐसे जा रहे थे नॉर्मल, और यहाँ ये देखो, डिड यू नोटिस, ये आंटी थी या लड़की पता नहीं, इन्होंने हमें एक स्कूटी से ओवरटेक किया। हमने इस बात को लिया दिल पे, हमने बोला चलो इनको बताते हैं कि स्कूटी और बाइक में थोड़ा डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे लेकिन यार बात माननी पड़ेगी, वो नहीं भी तो 70 या 75 भगा रही थी। अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद, तो मैंने पूरा रेस दिया, मेरे स्पीड देखोगे आप। मैं जब अराउंड 65+70 के ऊपर जाता हूँ ना, तब मैं थोड़ा उनका क्लोज डिफरेंस कर पाता हूँ और उनको ओवरटेक कर पाता हूँ। थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद, आई मैनेज समहाउ टू ओवरटेक। उसके बाद मैं ओवरटेक करके एक अच्छा खासा डिफरेंस बना लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ी देर पहले वो फिर मुझे ओवरटेक करते हैं, और यहाँ फिर मुझे फिर से उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। ये सेकेंड टाइम है जब मैंने उन्हें ओवरटेक किया। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि वो लेफ्ट थे। और फाइनली काम ख़त्म। ये रहे हैं हम लोग पार्किंग में, गाड़ी लगा दी, अब जा रहे हैं ऊपर मूवी के लिए। मूवी है कितने बजे? 11:30 बजे से, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं 11 बजे। तो अब आधा घंटा थोड़ा सा भ्रमण, और फिर उसके बाद एंट्री करेंगे हम लोग। ये लड़का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका 10th का एग्ज़ाम है, तो ये पढ़ने आया मेरे यहाँ, मेरे से थोड़ा इसकी हेल्प वेल्प कर रहा हूँ। तो 2 दिन से थोड़ा इस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो चला बोला चलो आज मूवी दिखा के लाता हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे आज हम लोग इधर। ये आ गए हम लोग इस एरिया में जहाँ मूवी होगा। टिकट का एरिया, बट मैंने कल रात में टिकट काट लिया था, तो वहाँ जाने के लिए। पब्लिक डे के थीम से सजा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, तो लास्ट बड़ा इवेंट मुझे लग रहा है वही था जिसकी वजह से ऐसे पूरा डेकोरेटेड है। ये पूरा फूड वाला सेक्शन है, यहाँ फूड फैक्ट्री है, यहाँ बहुत सारे फूड्स का स्टॉल्स कम्बाइंड है। वो उधर CCD दिख रहा होगा आपको। देन यहाँ बाव मोमो, ये अभी अभी खुला है 1.5 महीने पहले। दिस इज़ आवर KFC, एंड ये रहा डोमिनोज। अब मैं इन्हीं में से कुछ डिसाइड करूँगा, फ़ोन करके पूछूँगा और घर के लिए ले जाऊँगा। और ये रहा ऊपर हमारा आईनॉक्स, जहाँ जाएंगे मूवी देखने। ये देखो यहाँ क्या बना हुआ है,
इंडिया गेट देख के आए क्या? चलो देख के इंडिया गेट। अभी मैंने अंश से पूछा इंडिया गेट कहाँ है, तो बोलता है हाँ हाँ मुझे सब पता है मुंबई में। मैंने बोला भाई वो गेटवे ऑफ इंडिया है अंश, मुंबई वाला है ना ये? नहीं दिल्ली वाला है। तो मुंबई में क्या है? अरे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बेचारा, आज इसके थोड़ा जनरल नॉलेज सही हुआ। हम लोग वापस ऊपर जाते हैं और निकलते हैं अपनी मूवी के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट बचे थे तो बोला चलो चलते हैं। हम लोग यहाँ से लेंगे एंट्री अंदर। अब मैं इस फोन से टिकट दिखाऊंगा तो मैं वॉल ऑफ फेम। सो ये है स्क्रीन 2, दिस इज स्क्रीन 3, हमारा है स्क्रीन 4, नहीं स्क्रीन 1 है ना, 1, दिस इज स्क्रीन 4 आई गेस, यस दिस इज 4, मेरा यूजुअली 1 में ही होता है। ये रहा 1, उसमें हमें जाना है। इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, आना ही था मुझे मूवी देखने, बहुत टाइम हो गया था यार, 1-1.5 महीने हो गए थे कोई मूवी नहीं देखी थी, इसको भी घुमाना था तो सिर्फ खाने खाने के लिए क्या आते। मैंने बोला चलो जो लगी है वही देख लेते हैं, तो पठान देख लेते हैं। मुझे पता है VFX बहुत गंदे होंगे, कार्टून वाला बहुत सारा स्टफ़ होगा, टाइगर जिंदा है हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट क्या करें अब मजबूरी का नाम ज़िंदगी। जो भी है थोड़ा मोड़ा इंटरटेनमेंट उसमें से जो भी पॉजिटिव्स होंगे वो लेने की कोशिश करेंगे, रिव्यू दूंगा एंड में कैसा रहा मूवी। तुम शर्मा क्यों रहा है, कुछ बोलना है तो बोलो, घर जाके तो पढ़ना ही है। हमारा सीट है इसी में 3 और 4, सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये है 3 और ये 4। तुम इस पे बैठ जाओ 3 पे, क्योंकि मुझे 3 एकदम नहीं पसंद। मूवी हो गई है ख़त्म, हम लोग आ गए हैं बाहर, अब जाएंगे थोड़ा पिज़्ज़ा वीज़ा लेंगे घर के लिए क्योंकि सबको बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, तो वो खाएंगे, तो चलते हैं पिज़्ज़ा वीज़ा पैक कराने। अंश हैज़ आवर पार्सल, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, थोड़ा लेट हो गया, अंश का ट्यूशन भी है 4 बजे, तो अब सीधा घर जाएंगे, सर्विसिंग अब कल होगी बाइक की, तो निकलते हैं घर के लिए। पार्सल 5 और 2 7 नहीं, हाँ आप 2 डलाए थे, हम 6 डलाए थे। मूवी जो थी उसका रिव्यू करते हैं। मूवी जो थी मतलब ओवरऑल बहुत ही एवरेज मूवी, स्टोरी कुछ उतनी खास नहीं, बस ये जो ज़्यादा पैसे वाली फिल्म होती है ना, एक्शंस करो म्यूज़िक करो, वो सारी चीज़ें ज़्यादा थी। एक प्लॉट ट्विस्ट था जो पूरी मूवी में अच्छा था, ओवरऑल बस वही है एक्शन और म्यूज़िक का हाइप करो थोड़ा करो। एक एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा था लेकिन बहुत कम देर का था और वो स्टार्टिंग वाला ही एक्शन सीक्वेंस था, बाकी सब तो बस भैया पैसे उड़ाओ यही है। बाकी एक वर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें वॉर मूवी जो आई थी उसके 2 एजेंट्स थे, देन एक था टाइगर और अब ये पठान, ये सारे एक वर्स के हिस्से हैं, ये सब आपको मोस्टली लोगों को पता होगा, बट मजबूरी है तो जाओ देखो, या फिर आपको एकदम वो अच्छा लगता है स्टाइल स्टूल वाला चीज़ तो जाओ देखो, बढ़िया चीज़ है। बाकी ओवरऑल स्टोरी की अगर दीवाने हो तो इग्नोर। उसके बाद थैंक यू सो मच सबको आज का व्लॉग देखने के लिए, तुम भी बोलेगा थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो लाइक कमेंट कमेंट शेयर शेयर और सब्सक्राइब बोलो सब्सक्राइब। हाँ चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बोल थैंक यू लता चलो बाय 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 बाय।